जंगल करना होगा, दल का जातीय जनगणना को कराने के लिए और मंडल कमीशन के अनुसार आरक्षण देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हैं और वही डिमांड के लिए हम लोग यहाँ है बैठे। एक बार फिर से उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि डबल इंजन की सरकार में बड़े भाई के सामने भाजपा जो की बड़ी बड़ा भाई है उसके सामने ये थर्ड पार्टी जो है वो बिल्कुल असहाय है। सर आज आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? आज पूरे बिहार में बिहार के 38 जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल का जातीय जनगणना को कराने के लिए और मंडल कमीशन के अनुसार आरक्षण देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हैं और वही डिमांड के लिए हम लोग यहाँ है बैठे। मंडल प्रशासन रोक रही है, प्रशासन नहीं जाने दी है तो हम लोग यहीं बैठे हरने पर बैठ गए सर। इसके बाद हम लोगों का निर्णय बैठ करके तय होगा, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा अंतिम समय तक। शुरू से है राष्ट्रीय जनता दल का जातीय जनगणना लाभ करो लाभ करो। माननीय मुख्यमंत्री जब धीरे धीरे हर व्यक्ति मेरे पास है आज
मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ जो राष्ट्रीय जनता दल का साथी है, जो इस बड़ी लड़ाई में शामिल है और जो बैठ नहीं रहा धरने पर, तुम्हें मालूम है राष्ट्रीय जनता दल का साथी नहीं। देखिए इस बार जो हमारा मुद्दा है वो बहुत ही रेलिवेंट इशू है, वो है जातीय जनगणना। और हमने ये केंद्र सरकार से मांग की कि जिस प्रकार से जानवरों का भी जनगणना किया जाए, उसी प्रकार कि जो भी पिछड़े जाति के लोग हैं और अति पिछड़ा वर्ग के लोग, उन सभी की जाति बैकलॉग से जो भी रिक्त स्थान है रिजर्व सीट के, उनको भर्ती करने का काम किया जाए, भर्ती होने का काम, और मंडल कमीशन के जो भी बचे हुए अनुशंसा उसके सामने ये थर्ड पार्टी जो है वो बिल्कुल असहाय है और पूरी तरह से कोई उसके बाहर खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुका है। यानी कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद तो भाजपा नहीं मानती, भाजपा नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना काम संसद लागू हो। अगर ऐसा होता आप बात बताइए, अगर ऐसा होता तो आज वो आज बीजेपी पार्टी के लोग हमारे साथ होते, आज हम सब साथ होते, लेकिन आप तो नहीं रहे क्या जेडीयू के बाहर, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से असफल है और कहीं ना कहीं मजबूर है, मजबूरी की सरकार है, मजबूती की।
प्रधानमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल का चल चलंती में विस्तार किया और विस्तार करने के बाद लोग क्या ढोल पिट रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना पिछड़ा, इतना दंड पिछड़ा, इतना फलाना, वो हमने अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया है। तो प्रधानमंत्री अगर बोले तो वो जात पात नहीं है, और अगर हम संविधान सम्मत मांग करते हैं जनगणना कराने की तो क्यों इनको इतना ज्यादा घबराहट है। इसका मतलब है कि जानबूझकर इन वर्गों का हक मारी किया जा रहा है, उसको ये छुपाना चाहते हैं। हम तो क्या भी कहेंगे कि भाई जब देश में जानवर का गन्ना हो सकता है, पक्षी का गन्ना हो सकता है, फलाने का कई तरह के चीजों का गन्ना हो सकता है, तो जब जात यहाँ सच है तो जात की स्थिति क्या है, यह तो अभी हम वो भी नहीं करें। हम कह रहे सिर्फ यही कि इसकी जनगणना करा दो कि कौन लोग की क्या हैसियत है। और आपको मालूम होगा यह सरकार इन वर्गों का हकमारी करने वाली सरकार है, इस वजह से यह सरकार जो है इसका जनगणना नहीं कराना चाहती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पुराना क्रीमी लेयर का फॉर्मूला था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदल कर नया क्रीमी लेयर का जो है वो लागू किया, और नया क्रीमी लेयर करने में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहाली हुई 500 कुछ 400 कुछ, उसमें एक कहीं आदिवासी और एक शिडू कास्ट आया, अत्यंत पिछड़ा जीरो। तो इन चीजों को छुपाने के लिए सरकार जो है जनगणना नहीं कराना चाहती है, मगर यह हमारा हक है, हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई हम अंतिम दौर तक लड़ेंगे। यहाँ तो शुरुआत है, अगर आगे यह मुद्दा देशव्यापी मुद्दा बनेगा और पूरे देश में यह आंदोलन का रूप लेगा, यही कहकर हम अपनी बात खत्म कर देंगे। एक मिनट, आपने राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे प्रधानमंत्री सुधारी है। आज के दिन पूरे बलों के साथ विमर्श होने वाला है, कैसे देशव्यापी आंदोलन को चलाया गया, उसमें तेजस्वी जी को जो हाथ छोड़ना पड़ा, उन्होंने सोचा था बिहार के साथी मेरी उनको खुशी का कोई नहीं इतना नहीं देंगे, अपने स्वर्णदारों में संघर्ष को रखेंगे। याद रखना 2011 में जनगणना हो चुकी है, क्या करने में क्यों छुपाया जा रहा है। एक सवाल का जवाब देना मोदी, 2011 की जनगणना जिसमें हम सब पार्लियामेंट निगालू जी के नेतृत्व में, शरद यादव जी के नेतृत्व में, सारे दलों के नेतृत्व में मिलकर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम लोगों ने मनवाया था कि भारत में जातीय जनगणना होगी। ये लग करते हैं कि अंतिम जनगणना 1981 अंतिम जनगणना बाल करेगा 1912 में, कौन छुपाता है उसका चोरी का इरादा है। अभी तुम्हारी चोरी का इरादा नहीं है तो भारत की जनता को जानिए तो तुम्हें कैसे समझ रहे हो वो हम कई उग्रवादियों की जवान है। अम्बेडकर साहब के संविधान को मानते हैं, लालू प्रसाद के विचार को मानते हैं, लेकिन हर अधिकार के लिए डॉक्टर मुर्मू और गुरू ठाकुर वो जो यू रखी हमारे दल समाजवादी आंदोलन की, हम इसको भी मान सकते हैं। हर हकों की लड़ाई में याद रख लेना, ये सामने जो हमारे सिपाही भाई खड़ा है, आप ही लोगों से परिवार का भी नहीं आरक्षण दिया होता, मंडल कमीशन होता, उनके सभी पर वर्दी न हुई आती। हम इसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो तो परिवार की परवरिश से मैं खड़े हूँ,
उनके मन में दिली इच्छा है अगर इनको मौका मिल जाए तो समाजी को उतार कर अत्याचारियों की लाठी बन जाते हैं परिवार की परवरिश के लिए। याद रख लेना, हम चाहते हैं कि इनके शरीर पर सिपाही की वर्दी नहीं आईवीएस की वर्दी आवे पढ़ने के बुजुर्ग के साथ, लेकिन उनको संस्थाओं में जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, इसे तो किसी तरह शारीरिक बनावट खेतों में काम करते हुए माता पिता के साथ खेतों खलिहानों में पसीना बहाते बहाते शरीर की ताकत की बदौलत दौड़ होकर के घर चले आते हैं। लेकिन अब उनके आईपीएस में हम तलाश करें रोज इनके साथ अन्याय होता है। वो वैज्ञानिक बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, वो मजबूरियों में इनको यहाँ ला करके खड़ा किया धूप में देख रहे हैं। इस बैरियर के उस पार और इस पार जो दोनों हैं, दोनों एक ही परिवार के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले हैं। सर कल हम इसे लड़ने नहीं आए हैं, हम इनकी ताकत में भी अजमाने नहीं आए, हम सत्याग्रह ही हैं। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले हैं। याद रखना नौजवानों, हम ना चाहे जैसा हो हाथ हमारा नहीं उठेगा, ये सत्याग्रह है। कभी ये दिमाग मत लाओ, याद रख लेना लक्ष्मण की खींची हुई रेखा रावण पार करता है, सीता को मजबूर करके पार कराता है। ये हमारी सत्याग्रहियों की एक लक्ष्मण रेखा है, ये हमारे संविधान और विधान के तहत ये दीवार के रूप में खड़े हमारे परिवार के लोग हैं। हम उसे बोला चला गया है, नहीं उसे गला भी चलवा दिया गया था पिछली बार डाक बंगले में, वो चाहे किस कारण से हो गया हो, वो सारे उद्यता को पैदा करने वाली राज्य की हुकूमत थी, इन्हीं के लाठियों से हाथ पैर टूटा इनके भाइयों का। लेकिन हो सकता है इन्हीं छोटा ही हो इनके छोटे भाइयों के चलते। इसलिए मित्रों याद रख लेना सत्याग्रह है, और मैं यही देख रहा हूँ खड़े लोगों को, सचमुच और लड़ाई में शामिल भंडा वाले होने आए हो, खड़े हो क्या बनोगे? अरे तुम्हारी संतान जब तक नहीं अधिकार से पाएगी तो तेरे झंडे का मतलब क्या है? तो देख लो जो पीला कुर्ता वाले अपने नाती बेटे के लिए लड़ने आए हैं, फोटो खींच जमात में शामिल होकर के बातों को दोहराते हैं। उत्तर बिहार के मधुपुरा जहाँ समाजवादियों की धरती रही है, भूपेंद्र बाबू के सामाजिक संरचना की सबसे बड़ी धरती रही है, उन्होंने एक झोपड़ी में रहने वाले दीवाने चुनाव मुहर को लोकसभा में बड़ी सभा में भेजा था। मैं उसे आग्रह करता हूँ विशेष शब्दों में योगी मोदी का ये किनारा न घर बसे हमारा न बस न देने तुरा रहे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय अध्यक्ष बड़े भाई जगदानंद बाबू, इसे मैं हमारे नेता आज हम लोगों का धरना और प्रदर्शन मंडल कमीशन को पूर्णता लागू करो और जातीय जनगणना कराओ, ये तो दोनों बातों पर निर्भर करता है। तो जातीय जनगणना कमीशन ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर हम दोनों काम नहीं करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक है तो ये मंडल कमीशन का कोई मायने नहीं रहता। हम आप सभी जानते हैं कि बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, लेकिन मंडल कमीशन तो बीपी सिंह साहब ने लागू किया, लेकिन दुनिया जानती है कि मंडल कमीशन का सही हीरो जिसका नाम है
लालू प्रसाद यादव। और जब वीपी सिंह की सरकार को साजिश के तहत भाजपा ने गिरा दिया मंडल कमीशन के सवाल पर, गिराया ही नहीं, मंडल कमीशन को समाप्त कराने के लिए ये रथ यात्रा इन लोगों ने निकाला। और रथ यात्रा निकाल के जो हक हकूक था गरीबों का, उसको मारने का ये साजिश किया। लेकिन ये हटक ये चला रथ लेके आडवाणी सारे देश में, और लालू यादव जैसा तक अकेला छाती ठोक के आडवाणी को इतिहास की धरती उन्होंने जेल के भीतर किया। और मैं कह रहा था कि असल जो हीरो है मंडल कमीशन का, उसका नाम है लालू यादव। हम और आप सभी जानते हैं कि जब मंडल कमीशन को दबाने के लिए जब आडवाणी का रथ निकला, इस संदर्भ में मैं अपने साथियों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मंदिर निर्माण करके इन्होंने गरीबों के हक हकूक को मारने का प्रयास किया। काशी की रानी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी और काशी का किला अंग्रेजों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। काशी की रानी का मुख्य तोपची का नाम था गुलाम गौस। गुलाम गौस एकाएक गुलाम गौस के तोप की आवाज बंद हो गई। काशी की रानी ने देखा, लगता है गुलाम गौस मारा गया। वो दौड़ती हुई जाती है तो देखती है गुलाम गौस खड़ा है और तोप की आवाज बंद है। करके उन्होंने पूछा, गुलाम गौस तुम्हारे तोप की आवाज क्यों बंद है? गुलाम गौस ने बहुत अदब से कहा, महारानी मंदिर की ओर से अंग्रेज गोलाबारी कर रहे हैं, अगर हम गोला चलाते हैं तो मंदिर को तोड़ने का खतरा है। क्यों ही गुलाम गौस ने ऐसा कहा? चिल्ला के झांसी की रानी ने कहा, गुलाम गौस हम जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और जंग आजादी की लड़ाई में एक मंदिर नहीं हजारों मंदिर टूटता है, तो टूट जाने को आजाद होगा, हम लाखों मंदिर का निर्माण करेंगे। ये जज्बा था उन लोगों का। और इन लोगों का क्या जज्बा है कि गरीबों को हक हकूक न मिले, इसलिए मंदिर का ये लोग मंडल कमीशन देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि जातीय जनगणना और मंडल कमीशन ये दोनों एक दूसरे का प्रभाव। 1931 के बाद इस देश में कभी जातीय जनगणना नहीं हुआ और मंडल कमीशन का जो अनुसंख्या है वो 1931 के जनसंख्या को ही आधार मान के किया गया है। जो अद्यतन स्थिति है किसी को नहीं मालूम है कि वो भी स्थिति जनसंख्या है, किसको कितना मिलना चाहिए, किसको नहीं मिल रहा है। इसीलिए देश हित में, समाज हित में, देश हित में हम लोग इस आंदोलन को शुरू किया है कि जनगणना, जातीय जनगणना भी कराओ और मंडल कमीशन के अनुसंधान को लागू करो। यही आज का हम लोग का उद्देश्य है। और चलिए हम तो कहेंगे लालू यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।